देख सकते हैं आप। गाइस वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको साबूदाना वड़े की रेसिपी बताऊंगी। मैंने रात भर साबूदाना भिगा के रखा था, आप देख सकते कितने खिले खिले हो चुके हैं। मैंने बटाटा बॉईल किया है, उसके छिलके निकाल दिए, कोथिंबीर को बारीक बारीक ये किया है, कड़ी पत्ता और मिर्ची को मैंने बारीक बारीक कट किया है। आप देख सकते हैं मैंने मूंगफली को भून के लिया है, अभी उसको मैं दरदरा कूटूंगी। आप देख सकते हैं मैंने मूंगफली को दरदरा कूटा है, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा कूटा है। अब ये सब हम मिक्स करेंगे। मैंने कोथिंबीर लिया है, आप देख सकते हैं कोथिंबीर डाल दी मैंने, मिर्ची डाल दी मैंने, पूरी मिर्ची डाल दी, मूंगफली को डालेंगे, तेज पत्ता को डालेंगे और बटाटे को मैश करेंगे। अभी हम सब ये मैश करेंगे अच्छे से। हम उसको मैश कर लेंगे पूरा अच्छे से, आप देख सकते हैं। अभी हम इसमें नमक ऐड करेंगे, अच्छे से नमक मिला देंगे और फिर से अच्छे से नमक मिला देंगे और इसको फिर से एक बार भून लेंगे अच्छे से और इसके वड़े बना लेंगे अच्छे से। मैंने पूरे वड़े बना लिए, आप देख सकते हो जितना मुझे चाहिए था उतने मैंने वड़े बना लिए। मैंने तेल गरम करने को रख दिया है, तेल गरम हो चुका है, आप देख सकते तेल अच्छे से गरम हुआ है। अब उसमें मैं वड़े डाल दूंगी। हम उसको पका लेंगे अच्छे से धीमी आंच पे, धीरे धीरे ब्राउन कलर हो रहा है, धीमी आंच पे पकाना है हमें। हम इसको अभी पलट लेंगे। आप देख सकते हैं गाइस ब्राउन कलर हो चुका है, अच्छे से पक चुके अपने वड़े। से फूक भी रहे गाइस, आप देख सकते हैं। अब ये वड़े हम निकाल लेंगे, रेडी है अब ये निकाल लेंगे हम एक प्लेट में।
आप देख सकते हैं गाइस, सब वड़े निकाल लेंगे हम। आप देख सकते हैं गाइस कितनी क्रंची बन चुके हैं, कितने सॉफ्ट बन चुके हैं, होटल जैसे बन चुके हैं गाइस, देख सकते हैं आप। मेरी रेसिपी रेडी है गाइस, आप देख सकते हैं। आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय गाइस।